18वीं सेंचुरी में सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है। ये वो दौर था जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था। उसके बाद सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 19वीं सेंचुरी में, जहां पे पहली असेंबली लाइन बनी थी। उसके बाद थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जहां पे पहला प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बना गया था 1969 में। अब जो आज के समय में धीरे धीरे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जहां पे साइबर फिजिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल होने वाला है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इन इंडस्ट्री 4.0, इंफॉर्मेशन विल रिप्लेस द कैपिटल। साइबर फिजिकल सिस्टम्स के इस्तेमाल से पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक कंट्रोल में आ जाता है, एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में, जिसके फायदे आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हम सिर्फ मूवीज में देखा करते थे या फिर एक कल्पना मात्र करते थे, वो धीरे धीरे इंडस्ट्री 4.0 के आने से हकीकत में बदलने वाली है। जैसे कि ड्राइवरलेस कार्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए इंडस्ट्री 4.0 में ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल होता है। ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी अलाउज द प्लांट मैनेजर्स टू सिमुलेट द प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड असेंबली लाइन कॉन्फ़िगरेशंस। इट आइडेंटिफाइज द पोटेंशियली डेंजरस सिचुएशंस। वर्चुअल रियलिटी कैन ऑल्सो बी यूज टू इमर्स एन एम्प्लॉय इन अ फ्यूचर वर्क स्टेशन, देन कैप्चरिंग द एम्प्लॉयज मूवमेंट टू इवेल्युएट टास्क विजिबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी। इंडस्ट्री 4.0 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, मोबाइल एंड एज कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग और बिग डेटा प्रोसेसिंग जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों को मैं एक एक एपिसोड में कवर करूँगा, जुड़े रहिए। इफ़ वी यूज दी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, द प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट क्विकली, फ्लेक्सिबली एंड कॉस्ट एफिशिएंटली। And the combination of productivity, efficiency, quality and innovative capacity leads to Industry 4.0.
वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।